हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं आज आपको लेके जाऊंगी एक एग्जीबिशन में। तो गाइस, पूरा एग्जीबिशन शूट करेंगे हम लोग रात को। तो अभी तो मॉर्निंग है, मैं अभी पार्लर के लिए निकल रही हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, जो नए ज्वाइन हुए उनको बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ। पर इवनिंग में हम जाएंगे, एक एग्जीबिशन भरा है वो देखने। और एग्जीबिशन में क्या क्या है वो पूरा एग्जीबिशन मेरे साथ आप घूमना चाहोगे कि नहीं बताइए मुझे, कौन कौन घूमने आ रहा है मेरे साथ एग्जीबिशन। चलिए तो गाइस, मैं आप सबको लेके चल रही हूँ एग्जीबिशन में। तो चलिए हम जाते हैं, मस्त एग्जीबिशन एंजॉय करते हैं। मैं सारा शूट करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या है आया है वहाँ पे, मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ और किस किस चीज के स्टॉल्स लगे हैं, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन देखने फटाफट शाम को पर। ओके, क्योंकि दिन में तो पूरा बिजी शेड्यूल है, प्ले स्कूल के बच्चे आएंगे और दिन में एग्जीबिशन में जाने को मुझे कुछ मजा नहीं, वो लगता भी शाम को ही है। तो गाइस, डर रही थी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो मैं रुकाऊंगी, और गाड़ी की शायद ना गाड़ी को ठंडी लग गई है तो गाड़ी थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रही है। इतना पैसा दे के गाड़ी बनवाई, तो भी कोई स्कूटी बनवाई मैंने पर फिर भी कोई नहीं, वैसे ही प्रॉब्लम दे रही है। तो मैं अभी घसीट रही हूँ, थोड़े दिन बाद में वापस दे दूंगी मैकेनिक को, थोड़े दिन के बाद। तो गाइस चलिए, रात को अगर स्कूटी मेरी एग्जीबिशन देखने के बाद चालू नहीं हुई तो मैं घसड़ घसड़ के घर पे लेके आ जाऊंगी। पर मैं आज जरूर से एग्जीबिशन देखने जाऊंगी क्योंकि इस तरह से मैं रोज डिले कर रही हूँ और मेरा एग्जीबिशन देखने का रह जाता है। तो गाइस चलिए, चल रहे हो ना मेरे साथ एग्जीबिशन देखने, चलिए चलते एग्जीबिशन देखने। ओके, शाम को, ठीक है, तो रेडी रहना। ओके तो गाइस, मैं आ गई हूँ ये एग्जीबिशन देखने। सुनेगा
जाओ मेरे घर पे, मैं जाता हूँ। आप क्या क्या लिया? और ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है, मैं भी इसमें से सब ले रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। और गाइस ये है आइस हलवा, बम्बई का स्पेशल आइस हलवा। ये वाला पर्स मैंने जय के लिए लिया है, थोड़ा इसको फोल्ड करो तो इसमें बहुत अच्छे कंपार्टमेंट है, प्योर लेदर का है। ये कैसे है? ये 1500 रुपये जाएगा लाल है। ATI THI चिपकाना नहीं है, चिपकाना नहीं, मुझे सिर्फ देखने दे। इस पे अच्छा लग रहा है, ये हॉर्स पे अच्छा लग रहा है।
जा चल आ अच्छा लग रहा है ना। एक मिनट हाँ लगा दे गाइस, अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस मैंने ये दो किचन बना के लिए हैं अतिथि और ज्योत्सना के नाम से। निकल गया। ओ वेस्ट मत करो गाइस, मैं आपको बाद में बताती हूँ ठीक है। प्रॉपरली लगाना उसको, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होए। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन और कल गए थे हम एग्जीबिशन में आपको लेके साथ में। तो देखा आपने एग्जीबिशन कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा एग्जीबिशन कैसा लगा। और रात को मैं लाइव आने वाली थी पर क्या हुआ, रात को अतिथि का कल एग्ज़ाम फिनिश हुआ परसों ना, तो अतिथि गई अपने फ्रेंड के यहाँ, शाम को पार्टी थी तो सारे फ्रेंड्स लोग ने मिल के कुछ खाना वाना बनाने वाले थे, डिनर बनाने वाले थे। तो उसी में वो लोग 8:30 बजे तो गए रात को, उसके बाद वो लोग ने चिकन वगैरह लाया और बाद में बनाया। लड़कियां उनको बनाने को भी बहुत टाइम लगता है, मम्मी लोग तो कैसे फटाफट बना लेती है। तो उस तरह से खाना बनाने में फिर बाद में स्वीट्स खाने में रात के 11 बज गए। तो रात को अतिथि का 11 बजे फ़ोन आया कि मैं अब थोड़ी देर में स्वीट्स वगैरह खा के निकलूँगी यहाँ से। तो ठीक है, फिर मैं बोलना भूल गई कि पहुंच के फ़ोन करो। और फिर 12 बजने को आए, अभी तक अतिथि का फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था, स्विच ऑफ दिखा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब इतनी डर गई कि मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई एकदम से कि क्या हुआ। एकदम पास में उसकी फ्रेंड का घर और हॉस्टल एकदम पास पास में है, एक रोड क्रॉस किया ना के है, पर फिर भी मैं रात को 12 बजे और वो भी दिल्ली, तो डर तो लगता ही है। तो इतना डर गई ना मैं और पापा, दोनों बहुत डर गए थे, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी। उसके बाद मैसेज पे मैसेज किए मैंने, और मेरे पास ना उसकी फ्रेंड का नंबर उसने दिया था लेकिन मैंने सेव नहीं किया, तो सेव नहीं किया उसकी वजह से मेरे पास वो नंबर नहीं था। तो ढूंढ रही हूँ, सबको पूछ रही हूँ नंबर है क्या ये वो, आखिर में उतना 15 मिनट भी मेरे लिए बहुत भारी था। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया और बोलती कितना घबरा क्यों जाती हो, स्विच ऑफ फ़ोन हो गया था क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड के बैग में डाल दिया था फ़ोन, इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया था। मैं डर गई ना, कोई फ़ोन नहीं उठाता है या स्विच ऑफ हो जाता है तो अपन कितना डर जाते। तो सारा एग्जीबिशन का मज़ा मेरा सारा किरकिरा हो गया। ठीक है, फिर रात को मैं लाइव भी नहीं आई, लेट हो गया, और उसके बाद खाना भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, सो गई ऐसे ही। और सुबह वो 4 बजे का अलार्म लगाई तो मैं उठ ही नहीं पाई सुबह। तो गाइस चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कल एग्जीबिशन में से क्या क्या लिया। वैसे तो आपको मैंने दिखाया ही है लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, ओके, क्योंकि मैं मेरी हर बात तो आपसे शेयर करूंगी, कोई भी बात मेरी छुपी नहीं, आफ्टर ऑल यू ऑल आर माई फैमिलीज, इसीलिए ओके। तो चलिए, और पता है आपको मेरे 6500 और उसके ऊपर 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 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर। लेकिन गाइस आप वॉच करो, आप वॉच नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके रख देते हो तो मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं ना, तो गाइस आप वॉच करो मेरे वीडियोस, ओके। मैं मेरी लाइफ की पूरी अपडेट आपको देती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो ये दो किचन लिए हैं मैंने, एक में मेरा नाम वाला किचन है जिसमें हॉर्स है, दौड़ता हुआ घोड़ा है ये मेरी, मेरा बिजनेस भी इस तरह से बहुत 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 भागे ऐसी मेरी तमन्ना है। और हाँ, YouTube का चैनल भी खूब तरक्की करे और आप सबको मैं अच्छे अच्छे वीडियोस दूँ। और ये अतिथि का, ये है
इस तरह से है लड़का और लड़की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने करके भी अच्छा दिया। और मैंने ये कुछ चावल के पापड़ लिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ से एग्जीबिशन में से, और फ्रेश रहते हैं ना तो तल के खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक मैंने जय के लिए पर्स लिया जो मैंने आपको दिखाया ही था इस तरह से, और ये कुछ इमली की गोली जो मुझे और अतिथि को बहुत 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 पसंद है। और गाइज ये है इमली, ये वाली इमली आपने खाई है? ये वाली इमली बहुत अच्छी लगती है, बहुत मस्त लगती है और अतिथि को बहुत अच्छी लगती है, तो अतिथि आ रही है तो मैंने उसके लिए ले लिया। और ये है ना गाइज कलकत्ता का पान मसाला, पूरा पान है इसमें, तो ये भी मैंने ले लिया थोड़ा अच्छे से खाने को, खाना खाने के बाद। अभी इतने दिन तो मैं अकेली थी तो कुछ खाना पीना बराबर से हो नहीं रहा था, पर अब अतिथि आ रही है तो मज़े से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से बैठ के बातें करेंगे, तो इसलिए मैंने ये सब ले लिया मुखवास टाइप का। और तो गाइज आपको ये सब कैसा लगा? अच्छा है ना? किचन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्स भी मुझे अच्छा लगा, और इमली तो आफ्टर ऑल माय फेवरेट। तो गाइज अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो फ्रेंड अब मैं निकलूंगी सॉरी पार्लर के लिए, और फिर मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि फिर व्लॉग बड़े हो जाते हैं, तो आप सिर्फ एग्जीबिशन का ही मजा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अगर आपको पसंद आया मेरा ये व्लॉग तो आप ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के वीडियोज़ आप देख रहे हो कि नहीं? अभी मैंने 5th day ऑफ ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है फेशियल का, तो जिसने जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर मेरे इसके पीछे वाला वीडियो जाके देखो, तो आपको सारा ब्यूटी का सब सीखने को मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 डेज के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और अच्छा है रिस्पॉन्स उसको, तो गाइज जिसने नहीं देखा है वो भी मेरा वो वीडियो देखिए। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लव यू गाइज, और लव यू माई ऑल सब्सक्राइबर, और जो नई सब्सक्राइबर है उनको भी लव यू, और सब लोग इसी तरह से प्यार देते रहो और खुश रहो। बाय बाय।